हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉर सेल्फ कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस स्ट्रगल। गाइस, मुझे बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी डीईसी 4 प्रोजेक्ट वर्क के रिगार्डिंग कि मैम हमारा जो प्रोजेक्ट है 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम रिजेक्ट हो चुका, बट हमें कोई रीजंस नहीं पता चल रहा। हमने बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था बट फिर भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मीनिंग क्या है? किस कारण करके हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट हुआ है, प्लीज हमें बताइए। तो गाइस, मैं आपको मीनिंग इस वीडियो में सभी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट क्यों हुआ है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने विदाउट वीडियो भी अपना जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट कर दिया और उनका अप्रूव हो गया, उनके अच्छे मार्क्स आए हैं। बहुत सारे बच्चों की ऐसी इंक्वायरी आती है कि मैम हमारा एक ग्रुप था और ग्रुप में हम 3 या 4 मेंबर्स थे, 3 या 4 मीनिंग पर्सन थे, और हमने सभी ने सेम प्रोजेक्ट बनाया था और हमने विदाउट वीडियो सबमिट किया, उनका 7 वाले का अप्रूव हो गया बट मेरा रिजेक्ट हो गया। तो मैम किस बेस पे वो हमारा जो प्रोजेक्ट अप्रूव करते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे आपको। तो फर्स्टली देखिए, मैं आपको एक कैंडिडेट का रिजल्ट शो कर रही हूँ। इनका देखिए जो असाइनमेंट्स के मार्क्स है बहुत ही अच्छे लगे हैं, इन्होंने बहुत ही मेहनत से असाइनमेंट्स बनाई थी। इनके असाइनमेंट्स के मार्क्स चेक कर सकते हो, लैब के मार्क्स चेक कर सकते हो। प्रोजेक्ट वर्क में लैब 1 में 73 आए हैं, लैब 2 में 83 आए हैं और ऑल रिजल्ट्स इनका कंप्लीट है और इनको अभी मार्कशीट भी मिल चुकी है। तो ये जो कैंडिडेट थे, ठीक है, इन कैंडिडेट ने फर्स्टली क्या किया, अभी अपना मीनिंग प्रॉपर वे में अपना जो सबमिट किया था सब कुछ, बट किसी कारण करके इनका जो प्रोजेक्ट है पहले रिजेक्ट हो गया था। बाद में इनको मेरा नंबर मिला, इनने मेरे से बात की और हमने इनका जो प्रोजेक्ट है वो ऑनलाइन सबमिट किया था दिसंबर मंथ में, लास्ट 22 दिसंबर में ऑनलाइन इनका प्रोजेक्ट सबमिट किया था। और अभी इनका जो रिजल्ट आया है और रिजल्ट में इनका जो DEC 4 प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट शो हो चुका है। गाइज, मीनिंग आपका जो रिजेक्ट क्यों होता है, फर्स्टली मीनिंग उसके 3-4 कारण होते हैं। पहला कारण क्या होता है, मान के चलो कि आपने प्रोजेक्ट वर्क के साथ वीडियोस नहीं बनाई, आपने कम वीडियो बनाई है तब भी आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है, या फिर आपने एनेक्सियल फॉर्म्स अच्छे से फिल नहीं किए, स्टैंपिंग वगैरह नहीं कराई तब भी आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है। अभी इंक्वायरी थी कि मैम हमने तो वीडियोस अपलोड ही नहीं की, हमारे साथ वाले ने भी कोई वीडियो अपलोड नहीं की, उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। तो गाइस, यूनिवर्सिटी जो इग्नू यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत सारे मीनिंग टीचर्स होते हैं जो आपका जो मीनिंग ये चेक करते हैं प्रोजेक्ट वर्क। अगर कोई टीचर ऐसा होता है जो मीनिंग सॉफ्टली होता है और आपको अच्छे मार्क्स दे देता है जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है, बट ये चीज़ ध्यान में रखिए, जिनका विदाउट वीडियो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हुआ है उनके 35 या मीनिंग 40 से मार्क्स नीचे ही होंगे, उनके अबव मार्क्स नहीं होंगे, उनका 40 या 41 लैब 1 या लैब 2 में इतने ही मार्क्स लगे होंगे। अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो जैसे 73 और 83 मीनिंग 70+ मार्क्स लेना चाहते हो प्रोजेक्ट वर्क में, या फिर 90+ मार्क्स लेना चाहते हो प्रोजेक्ट वर्क में, तब आपको प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा, उसकी वीडियो भी सबमिट करनी होगी, एनेक्सियल फॉर्म भी अच्छे से सबमिट करनी होगी, प्रोजेक्ट को चेक भी करवाना होगा, गाइड के साइन भी होंगे, प्रिंसिपल के भी साइन होंगे और गाइड के डॉक्यूमेंट्स भी आपके प्रॉपर लगेंगे। फिर आपका अगर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट सबमिट करते हो तब आपके बहुत ही अच्छे जो मार्क्स है वो लगते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो चुका है या फिर आपको कोई भी मीनिंग डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो कि मैम हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो चुका, अब हम ऑनलाइन प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करवा सकते हैं। तो गाइज, अभी हमने जो न्यू स्टार्ट किया है ऑनलाइन प्रोजेक्ट सबमिट का भी स्टार्ट किया है। अगर आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो ऑनलाइन सबमिट करवाना चाहते हो, हमसे करवाना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। जैसे हमने इस कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो कंप्लीट करवाया है, असाइनमेंट्स और विद प्रोजेक्ट सबमिट करके कंप्लीट करवाया है, हम आपका भी रिजल्ट है अच्छा मीनिंग कंप्लीट करवा के देंगे और आपका रिजल्ट है कि मीनिंग जो प्रोजेक्ट वर्क के जो मार्क्स है बहुत ही अच्छे ला के देंगे, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अभी इसके बाद भी हम अपने चैनल पे न्यू कोर्सेज की वीडियो लेके आएंगे कि इग्नू से एंटिटी करने के बाद आप कौन सा कोर्स कर सकते हो जो कि बहुत ही बेनिफिशियल कोर्सेज है। अगर आपको उन कोर्सेज की भी डिटेल्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये आपको रिजल्ट अच्छा लगा हो इस कैंडिडेट का तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, आपका भी रिजल्ट आई होप ऐसा ही अच्छा आए। अगर रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।